केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है और मैं केंद्रीय बजट पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यह बजट बहुत चीजों में आज से पहले जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं उनसे हट करके है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स नए लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख रूप से इसमें जो हमारा आधारभूत संरचना को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से, सुदृढ़ करने की दृष्टि से इसमें फोकस दिया गया है इस सारे बजट में। और आज के इस दौर में जिसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता भी महसूस हो रही थी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि बहुत बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ में पूरे देश के हर प्रदेश का, हर क्षेत्र का और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। जहां पूरे देश भर में इस बजट की सराहना हुई है, इसका अभिनंदन हुआ है, वहां मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी इस बजट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात, पहली बात अगर मैं शुरू करूं इसमें, तो प्रमुख रूप से इसमें जो प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो रेलवे नेटवर्क की बात है, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, चाहे वो बंदरगाह की बात है, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की बात कहें और चाहे हम जलमार्ग की बात कहें, सभी चीजों को, सभी इन जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम हैं उनको मजबूती देने की दिशा में और उनको गति देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि जितनी हम कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी बाय एयर है, चाहे बाय रोड है, चाहे उसके अतिरिक्त चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात है और उसमें फोकस होकर के और भी ज्यादा इसमें अब जो और चीजों को भी जोड़ा गया है जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये देश के और प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, बहुत बड़ा योगदान देती है जब आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। उस दृष्टि से और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता ने चालू वर्ष में जो बजट प्रावधान 5,000 करोड़ रुपए का था, उसमें भी बहुत बड़ी एक वृद्धि की गई है। और प्रदेश के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए उसमें विशेष तौर से चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के माध्यम से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए हमें हासिल हुए हैं और ये वो राशि है जो 50 वर्ष के लिए ऋण मुक्त या बिना ऋण के
सॉरी ब्याज मुक्त जो है वो उसको दिया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 400 करोड़ रुपए पहले दिया गया था और वित्त मंत्री जी से हमने उनका संदेश आया था, फोन आया था और फोन जन्मदिन के शुभकामनाएं के लिए था और मैंने उनसे आग्रह किया कि वित्त मंत्री से ऐसे उपलक्ष्य में और तो कुछ मांगा नहीं जा सकता, हम चाहते हैं कि प्रदेश के लिए आप और मदद करें। तो उस वक्त उनने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उनने 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, जिसकी जानकारी मुझे रात को मिली और मैंने उनका आभार व्यक्त किया उस बात के लिए। इसके अतिरिक्त जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में लगातार अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन ने उसको टेपर डाउन किया है, उसको काफी नीचे किया है। हर पिछले साल भी कट लगा है, अब की साल और इसमें कट लगे जो आने वाला हमारा ये वित्तीय वर्ष होगा, और उसके कारण हमारी आर्थिकी पर एक बहुत बड़ा असर भी आया है स्वाभाविक रूप से। इस सारी चीज को मुझे लगता है कि शायद कंपनसेट करने की दृष्टि से एक नया मैकेनिज्म डेवलप करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जो स्पेशल असिस्टेंस की बात कही गई है उसमें। 2022-23 के लिए ये जो भारत सरकार द्वारा इस सहायता को अब जो है बढ़ा करके उसको उसमें इंक्रीज जो किया गया वो 10 गुना बढ़ोतरी उसमें की गई है। यानी कि जो पहले 10,000 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा करके 1,00,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए सुखद स्थिति रहेगी, जहां प्रदेश को विशेष जो है वो सहायता मिलने की गुंजाइश की संभावनाएं बढ़ेंगी। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हिमाचल की जो परिस्थिति विशेष तौर से जो रहती है, इसमें हमें जरूरत पड़ती है, चाहे वो बारिश का मौसम नुकसान होता है, चाहे वो सर्दी का मौसम उसमें नुकसान होता है, और ऐसे में जो विशेष सहायता की जो जरूरत, मुझे लगता है कि इस प्रावधान के माध्यम से हम पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जिसको मैं कह सकता हूँ एक इंक्रीज, इनके 10 times इंक्रीज हुई है, इसे हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित निश्चित रूप से होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी और इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी। क्योंकि हमारे पास हमने इस बात को लेकर के अभी भी हाल ही में जब केंद्रीय वित्त मंत्री से मेरा मिलना हुआ तो उनसे मैंने विशेष आग्रह इस बात के लिए किया भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वर्किंग सीजन बहुत कम होता है और वर्किंग सीजन कम होने के साथ साथ अब की बार तो ये भी संभावना है कि हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इसलिए सितंबर के पश्चात चुनाव आचार संहिता लगने की भी संभावना रहेगी। ऐसी परिस्थिति में जो भी हमको सहायता केंद्र से मिले वो समय पर मिले, पहले मिले, ताकि हम वर्किंग सीजन का भी लाभ ले सके और पूरा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को बेहतर ढंग से कर सके। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से इस सारे सहयोग के लिए, जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो विशेष जिसका मैंने जिक्र किया 600 करोड़ रुपए दिया, उसका आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़कर के जल जीवन मिशन की अगर हम बात कहें, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिए
60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जिससे हिमाचल प्रदेश को जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र घरों में पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश ने इसमें बहुत बेहतर काम किया जल जीवन मिशन में, और हिमाचल प्रदेश इसमें पूरे देश भर में पहले नंबर पर चल रहा है। और जो इंसेंटिव्स भी हमने इसमें जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए जो रखे गए थे वो भी हम